हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 22 मार्च 2024 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा के और अपस्टॉक्स से दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहाँ से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले टाटा स्टील में आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन स्टॉक में 0.53% का नेगेटिव मूव, 141.70 पे हमें क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाले, उसी बारे में हम बात करने वाले हैं क्योंकि हम स्टॉक का वीकली का एनालाइज करें। यहाँ पे नेक्स्ट डे क्या होने वाला उस बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करने वाले हैं। इस वीक में क्या होने वाला उस बारे में बात करेंगे और उसके लिए किस रेंज में हमें स्टॉक क्लोज होते देखने मिलने वाला है वो भी आपको बताएंगे और हमारा क्या ओपिनियन था वो तो आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ इस वीक के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस भी मार्क करके देंगे जो आपको हेल्प करेंगे इस वीक के लिए जो ट्रेड लेने में। तो चलिए बिना समय गवाए सीधा हम जाते हैं हमारे वीकली के चार्ट पर, देखते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस हमें लास्ट वीक में देखने मिला है वॉल्यूम और कैंडल वाइज। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये रहा हमारा वीकली का चार्ट। वीकली के चार्ट पे जो है वॉल्यूम एवरेज से ज़्यादा देखने हमें मिल रहा है। कैंडल बहुत ही बड़ी बनी है, बॉडी यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडल की बॉडी बहुत ही बड़ी है। नीचे के साइड में छोटी सी विक हमें देखने मिल रही है। आरएसएम हमारा 56-57 के आसपास आ चुका है, स्लाइड एक नेगेटिव मूवमेंट का इशारा देता है, लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी कंसिडर करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आरएसएम इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन सीधा हम डेली के चार्ट पर जाके जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस को मार्क करके बता दें, उसके पहले मैं आपको ट्रेंड जो स्टॉक में बता देता हूँ। स्टॉक में ट्रेंड जो है वो अभी भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड के अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है वो तो आप जरूर हमें कमेंट करके बता ही देना। बाकी यहाँ पे अब मैं मार्क करके रखता हूँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो यहाँ पे हमें इस वीक के लिए जो है ट्रेड लेने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे जो भी मैं मार्किंग्स कर रहा हूँ मैं चाहूँगा आप भी सेम टू सेम अपने चार्ट में मार्किंग्स कर ले, क्योंकि ये मार्किंग जो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करने में। तो यहाँ पे अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। क्लोजिंग की बात करें तो 141.70 पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 139.7 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 143.7 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया उसको आप जरूर देख ले, वहाँ पे मैंने आपको हर एक चीज़ समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 137 का, उसके बाद का 134 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 146 का, उसके बाद 149 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हुए अपना यहाँ पे इस यहाँ पे वीक का जो है ट्रेड ले। इस वीक के लिए मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो है एक पॉजिटिव मूव का एक्सपेक्ट है। 143.7 से लेकर 146.4 के रेंज में हमें क्लोजिंग देखने मिल सकते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव साइड में मैं क्लोजिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस रेंज में। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।